हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओलंपियाड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कह सकते हैं कि अनसॉल्वेबल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका सॉल्यूशन बहुत आसान नहीं है, एक अलग लेवल का मैथमेटिक्स लगाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्व भी करना है मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे वो समझते हैं। एक रेगुलर ट्रेंड तो नहीं है क्वेश्चन का, तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या देखो इस माइनस 12 की कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है जैसे मैं अभी लिखने वाला हूं। एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ, 12 को 8 और 4 तोड़ सकते हैं। अब ऐसा ही क्यों तोड़ा, इसका तरीका आपको अगले स्टेप पे पता चलेगा। नाउ दिस 8 कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखिएगा, दिस 8 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3 एंड दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2। ऐसा ही क्यों लिखा वो अगले स्टेप पे पता चलने वाला है। इन दोनों को एक साथ रखो, x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, और इन दोनों को एक साथ रखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो आइडेंटिटीज लगानी है, यहां लगानी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की और यहां लगानी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ये होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। और ये वाली आइडेंटिटी क्या है, मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी। तो बस ये दोनों आइडेंटिटी ऊपर वाले स्टेप पे लगाते हैं, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस 2 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब x प्लस 2 x माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। लगा दी दोनों में एंटिटी, चेक करो कोई ऐसा टर्म है जो दोनों में कॉमन हो। तो ध्यान से देखो x माइनस 2 और x माइनस 2 बिल्कुल कॉमन आ गया, निकालो बाहर इसको, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और यहां कितना बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखिए, तो x माइनस 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6 और इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है और दोनों ही 0 के बराबर है। तो लिखने का तरीका, आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आपको एक वैल्यू तो एक्स का मिली है इज इक्वल टू 2, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो या तो इस क्वेश्चन का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं जिसको श्रीघर आचार फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो देख के लग रहा है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो नहीं लगने वाला है, तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाते हैं। तो उसके लिए पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म की जनरल इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से एबीसी का वैल्यू निकालिए, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 6। अगर एबीसी का वैल्यू आपको पता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। इसमें वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 होल अपॉन 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1। अगला स्टेप देखिए, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस तो 9 माइनस का 9 4 सा 36 होल अपॉन 2। ये सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस का 27 और होल अपॉन 2। वैसे तो एक नॉन रियल टर्म है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, लेकिन ये तो ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, तो यहां पर तो हम नॉन रियल टर्म जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं जहां पर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सॉल्व करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस, इसे लिख सकते हैं रूट माइनस 1 रूट 27 होल अपॉन 2। अब व्हाट इज रूट ऑफ माइनस 1, रूट ऑफ माइनस 1 आई कहलाता है, इसको आयोटा बोलते हैं। तो लिखिए x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 27 आई
होल अपॉन टू, चेक करो कहीं रूट 27 भी तो स्प्लिट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? रूट 27 कर सकते हैं, 3, 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो रूट के अंदर पेयर है 3 का, वो तो बाहर आ जाएगा, इसका पेयर नहीं है तो वो रूट में ही रहेगा। तो रूट 27 कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस 3√3i होल अपॉन 2। तो 2x का वैल्यू यहां से आ गया, एक वैल्यू यहां से आ गया। जो हमारा क्वेश्चन था उसकी हाईएस्ट पावर 3 थी, तो ये बात कंफर्म था कि आपके पास x की 3 वैल्यूज तो आनी ही आनी थी। तो एक वैल्यू हो गया 2, एक वैल्यू हो गया माइनस 3 प्लस 3√3i अपॉन 2, और तीसरा वैल्यू हो गया माइनस 3 माइनस 3√3i अपॉन 2। ये लीजिए, तीनों वैल्यूज एक्स की आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।